एक और बड़ी खबर, पोस्टर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सॉलिसिटर जनरल इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी सरकार का पक्ष रख रहे हैं। 57 लोगों के खिलाफ हिंसा का ऑर्डर पास हुआ है और इस बाबत जो है सुप्रीम कोर्ट चूंकि यूपी की सरकार पहुंची है, पक्ष रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल। और आपको बता दें कि ये वही मसला है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग चौक पर तस्वीरें, होर्डिंग्स लगाए गए हैं उन उपद्रवियों की जिन्होंने CAA के विरोध में प्रदर्शन के दरमियान हिंसा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अब भरपाई के लिए जो जिला अदालत है लखनऊ की, उसने आदेश दिया कि इन्हीं लोगों से भरपाई करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि इनसे रिकवरी तो की ही जाएगी, साथ ही लोगों को भी पता चले कि ये लोग हैं कौन, इसलिए पोस्टर्स लगा दिए गए, उनके बारे में डिटेल्स लिखी गई हैं। अब मामले पर सुओ मोटो लिया गया, स्वतः संज्ञान लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो निजता का हनन है, राइट टू प्राइवेसी का ये उल्लंघन है, तो ऐसे में योगी सरकार को इस कदम को वापस लेना चाहिए और तुरंत इन पोस्टर्स को हटाया जाए। कुछ दिनों का वक्त है, करीब 16 तारीख तक का वक्त है योगी सरकार के पास, ऐसे में ये जो वक्त है, इसलिए इस वक्त उन्होंने पोस्टर्स हटाने के बजाय इस मामले को आगे सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है। सवाल उठता है, पोस्टर हटेंगे या नहीं हटेंगे? पोस्टर अगर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश है तो उस आदेश के क्रम में अभी 16 मार्च तक का समय है और उसी के खिलाफ अपील उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से किया गया है। अगर सर्वोच्च न्यायालय हमें रिलीफ देगा तो वो पोस्टर नहीं हटेंगे, अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसा निर्देश देता है तो 16 मार्च के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है कि कल गृह मंत्री जो जवाब दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने हाउस को मिसलीड किया है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने दंगों पर काबू। तो पोस्टर विवाद पर एक तरफ सुनवाई चल रही, दूसरी तरफ आपने केशव प्रसाद मौर्य को सुना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट कहेगा हम तो उसका पालन करेंगे। अभी 16 तारीख तक का वक्त है, उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी सरकार का पक्ष रख रहे हैं। 57 लोगों के खिलाफ हिंसा का ऑर्डर पास हुआ है और इस बाबत जो है सुप्रीम कोर्ट चूंकि यूपी की सरकार पहुंची है, पक्ष रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल। और आपको बता दें कि ये वही मसला है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग चौक पर तस्वीरें, होर्डिंग्स लगाए गए हैं उन उपद्रवियों की जिन्होंने CAA के विरोध में प्रदर्शन के दरमियान हिंसा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अब भरपाई के लिए जो जिला अदालत है लखनऊ की, उसने आदेश दिया कि इन्हीं लोगों से भरपाई करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि इनसे रिकवरी तो की ही जाएगी, साथ ही लोगों को भी पता चले कि ये लोग हैं कौन, इसलिए पोस्टर्स लगा दिए गए, उनके बारे में डिटेल्स लिखी गई हैं। अब मामले पर सुओ मोटो लिया गया, स्वतः संज्ञान लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो निजता का हनन है, राइट टू प्राइवेसी का ये उल्लंघन है, तो ऐसे में योगी सरकार को इस कदम को वापस लेना चाहिए और तुरंत इन पोस्टर्स को हटाया जाए। कुछ दिनों का वक्त है, करीब 16 तारीख तक का वक्त है योगी सरकार के पास, ऐसे में ये जो वक्त है, इसलिए इस वक्त उन्होंने पोस्टर्स हटाने के बजाय इस मामले को आगे सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है। सवाल उठता है, पोस्टर हटेंगे या नहीं हटेंगे? पोस्टर अगर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश है तो उस आदेश के क्रम में अभी 16 मार्च तक का समय है और उसी के खिलाफ अपील उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से किया गया है। अगर सर्वोच्च न्यायालय हमें रिलीफ देगा तो वो पोस्टर नहीं हटेंगे, अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसा निर्देश देता है तो 16 मार्च के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है कि कल गृह मंत्री जो जवाब दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने हाउस को मिसलीड किया है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने दंगों पर काबू। तो पोस्टर विवाद पर एक तरफ सुनवाई चल रही, दूसरी तरफ आपने केशव प्रसाद मौर्य को सुना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट कहेगा हम तो उसका पालन करेंगे। अभी 16 तारीख तक का वक्त है,